हजूर ने शब्द वरत्या है चरण, उंज जे असी चरण दे अर्थ करांगे ते चरण दे लफ्जी अर्थ पैर बनगे। जे चरण दे अर्थ असी इत्थे करांगे सीधे पंजाबी शब्द बनगे पैर। हजूर महाराज बख्शिश करदे आ कि परमात्मा दे चरण असी अपने हिरदे च वसा लै। गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों आप जी पाठ करोगे सानू बहुत थावां ते चरण शब्द पढ़न वास्ते मिलेगा, जिमें चरण कमल शब्द मिलेगा। असी गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन पढ़ने हाँ, कबीर सुरग नरक ते मैं रहो, ना मैनू स्वर्ग का तमा ना मैनू नरक का कोई भय लालच है। कबीर सुरग नरक ते मैं रहो, सतगुर कह प्रसाद, सतगुरु की कृपा नाल मैं दोजक की आगता डर नहीं, बहिष्यत दा स्वर्ग दा मैनू कोई लालच नहीं, मैं दोनों तो बच गया। सतगुर कह प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर आद। किन्ने मैं तो केवल अपने परमात्मा दे चरण कमलों की मौज विच ही टिकया। यह बेनती सुनो, इत्थे लफ्ज चरण कमल आया है। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन होर आउंदा है, वैसे तो बड़े शब्द ने, माई गुर चरणी चित लाई है। उत्थे भी सतगुरु ने शब्द चरण वरते, मां गुरु के चरणों में अपने चित नूं लाउणा करिए। हजूर की बाणी विच एक बचन हुंदा, माई चरण गुर मीठे, मां गुरु के चरणों में मिठास बड़ी है, मिठे बड़े ने। दस बेनती कर लगा इस करके क्योंकि एक तो परमात्मा का कोई रूप रेख रंग है ही नहीं, फिर असी कहांगे भी चरण केड़े हो गए। उंज हजूर ने सरगुण रूप च जिक्र किया कि तेरे बंके लोयन दंतर साला सोहने नक जिन लंबड़े बाला। पर इत्थे बेनती करांगा वो चरण केड़े ने, गुरु दे चरण, परमात्मा दे चरण। हजूर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी इन्हां शब्दां दे अर्थ आप करती है। हालांकि गुरु घर अंदर जां रूहानियत अंदर जिन्ना सत्कार चरणां दा कीता गया है, शायद उन्ना सत्कार किसी अंग दा शरीर दे होर अंग दा नहीं कीता गया। बेनती सुनियो, अखां कीमती ने पर अखां दा जिक्र इन्ना गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं आएगा। कन्न श्रोण वास्ते सुन ली परमात्मा दे दित्ते ने, कन्ना दा अखां दा जबान दा नासका दा जिक्र जे आएगा इन्हां नूं उपदेश देण लई, पर कदी इह शब्द नहीं आएगा कि मैं महापुरख दीआं अखां वी समा जां, मैं तुहाडे कन्नां कोल निवास कर लां। गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों शब्द आएगा उदों यही आएगा कि सतगुरु अपने चरणों में थां बख्श, संगत दे चरणों में थां मिल जाए, परमात्मा दे चरणों में थां मिल जाए। उंज वैसे गुरमत विच मैं अर्ज की चरणों की बड़ी वड्डी महानता है। श्रीमान भाई गुरदास साहिब जी ने एक बारी इस सवाल का हल दिता सानूं अपनी रचना च, उन्हां दा वचन है कि सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, मूह नक अखी नक हथ कन दे भार उचांदे, सब चेन छड पूजियन कौन करम कमांदे। कि सब तो नीवे पैर रहिंदे ने, इन्हां ने अखां नूं कन्नां नूं हत्थां नूं नासका नूं पूरी देह नूं चुकिया होया, पर बाकी किसी चिन्ह की इन्नी पूजा नहीं की जाती। चरणां नूं वार वार क्यों सन्मान दिता जांदा है, सब चेन छड पूजियन कौन कर्म कमांदे। अगे भाई साहब कहिंदे आ, गुर शरणी साध संगति नित चल चल जांदे, वतन पर उपकार नूं कर पार वसांदे। इन्हां चरणां नूं तां सन्मान दिता गया है, जे ए ना होण ते संगत भी साडा शरीर जाएगा किवें। पैर ही तो संगत विच लै के गए, पैर ही तो गुरु चरणां विच लै के चले गए। ते अगला वचन, वतन पर उपकार नूं कर पार वसांदे। भाई साहब कहिंदे आ, मेरी खलो मौजड़े गुरसिख हंडांदे, मस्तक लगे साध रेण वडभाग जिन्हां दे। कि मेरे शरीर की चमड़ी इस दे जोड़े बना लै जान, ते इन्हां जोड़ियां नूं गुरसिखां दे चरणां विच पवाया जाए। कहिंदे ने ओह खुश किस्मत ने जिन्हां नूं किते साधु पुरख दे चरणां दी धूड़ मिलदी है। मैं फिर बेनती करांगा, ध्यान नाल सुनियो, एक गुरमुख दे संगत दे चरण भी बाणी च कह, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु चरणां दा बड़ा जिक्र है। हुण अज इह पहली तुक है, हर हर चरण हृदय उर तारे। असी हिरदे विच
परमात्मा दे चरणां नूं धारण कर लिया। आम सवाल कोई करेगा भी वह चरण किहड़े ने कि सानू इंसान वर्गे दिसदे पया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक तुक ने बहुत बख्शिश की इस चरण वाले शब्द की व्याख्या की कुंडी खोलन लई। हजूर किंद बचन करदे खिरदै चरण शब्द सतगुर को सुनियो बेनती। खिरदै चरण खिरदे विच चरणा का भाव ए वे कि गुरु की बाणी, गुरु का शब्द, गुरु की सिख्या, गुरु का उपदेश साढ़े धुर अंदर विच वस गया है। जिस अंदर गुरु का शब्द वस जाए चेते रखियो उहदे अंदर गुरु परमात्मा के चरण वस जाते हैं। महाराज कहते हैं खिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। इत्थे बेनती सुनियो शब्द आया पाल। पाल का अर्थ एक गुरु ग्रंथ साहिब विच कतार, जिमें असी कंध कहने कि सचियारा होई है कि कूड़ा टुटै पाल, उत्थे पाल का अर्थ है कंध। पर इत्थे जिहड़ा महाराज बचन कर रहा कि खिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल, इत्थे पाल का अर्थ किनारा नहीं, इत्थे पाल का अर्थ कंध नहीं, इत्थे पाल का अर्थ पल्ला कपड़े का लड़। कहिंदे ने मेरे खिरदे विच गुरु का शब्द टिक गया। शब्द का टिकना ही गुरु का चरण वसना है। मैं अपने पल्ले नल घुट के गुरु के बचन नूं बन लिया है। इस करके पहली बेनती है वे गुरमुखो, जिथे भी चरण शब्द आएगा तकरीबन वह अर्थ गुरु शब्द के रूप च ही स्वीकारे जाएंगे। महाराज बचन कर रहा है खिरदे चरण शब्द सतगुर को। जिमें असी बाणी च गुरु चरणा मुतलक भी शब्द पढ़ने, एक शब्द बिलावल राग का गुरु अर्जुन साहब जी का है कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे खिरदे गुर चरण प्यारे। उत्थे महाराज जी ने गुर चरण प्यारे शब्द वरत्या है, तो उहदा अर्थ भी गुरु का शब्द गुरु दे बोल। बस रहे खिरदे गुर चरण प्यारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुवा, चरण कमल गुर आश्रम दिया। चरण कमल का अर्थ गुरु जी ने अपने शब्द विच अपनी बख्श विच सानू निवास दे दिता। दास बेनती करेगा पहलियां तुकां, क्योंकि असी विचार तो गुरु रामदास जी के जीवन संबंधी अज करनी है ज्यादा, पर जो इस अस्थान की मर्यादा है पहला असी उहनू पूरा करांगे शब्दी अर्थ, भावें संखेप अज करांगा मैं। हर हर चरण हृदय उर धारे, परमात्मा की बाणी प्रभु का शब्द असी अपने खिरदे विच धारण किया है। सिमर स्वामी सतगुर अपना, अपने मालक परमात्मा नू ते समरत सतगुरु नू सिमर के कार्ज सफल हमारे, साडे जीवन के जितने भी काम ने वो सफल हो गए, कामयाब होए, असी उहदे विच नेफल नहीं खोए। ये गल स्पष्ट हो गई कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी का कोई भी काम रास कराना, बेनती वो गुरु के शब्द नू हिरदे च वसा ले, बाणी नू मुहब्बत करे। हाँ, अपने काम लई बेनती भी कर सकता है, जिवें शब्द है सतगुरु का कीता लोड़ या काम सुहार पै आखी है, जिस काम नू चाहने ये सिरे चढ़े उहनू आख दईए बोल दईए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। महाराज का बचन है कहो बेनंती, अपने सतगुर पाहे काज तुम्हारे दे निभाहे। सिख दे कारज गुरु परमात्मा रास करदा, जिन्ना कोई नाम जपेगा जो कुछ बोलेगा उहदे कारज नू कोई अटका ही नहीं सकता। जिवें सतगुरु का बचन है अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की तह तह उठ तावे। जिथे जिथे सेवक का कोई काम होवे कारज होवे, पार ब्रह्म परमेश्वर अपने सेवक दे कारज वास्ते आप दौड़ के ता के उस जगह ते पहुंचदा है। हजूर गुरु अर्जुन साहब दे बोल, असी प्रभु दे चरण हिरदे विच वसा लैने, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी सतगुरु नू सिमरिया है, ते उस दे सिमरन दी बरकत नाल साडे जितने भी काम ने वो सारे रास आए ने। कारज सिरे चढ़े खन रहाओ, उन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत
तत विचारे। ये पहलियां जेड़ियां दो तुकां आपां विचार कीती है, ये रहाओ दियां तुकां ने शब्द दियां। इस तो अगला बचन है पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे। पुन असी लफ जानने खां कि किसे दी मदद करनी हैल्प करनी, असी पुन शब्द वरतने उहदे लई। दान किसे लोड़वंद दा कार्य सवार देना। अगला शब्द है पूजा परमेश्वर के पार ब्रह्म परमेश्वर दी पूजा। सुनो इस बेनती नूं गुरमुख तवज्जो दे के पुन करना दान करना ते परमात्मा दी पूजा है कि महाराज कहिंदे ने हर कीर्त तत विचारे। हरी दा अर्थ प्रभु परमेश्वर, कीर्त दा अर्थ है सिवत, तत विचारे दा अर्थ है ये गल तत विचार के कह दिती है कि जेड़ा परमात्मा दी कीर्ति करेगा एदे विच ही पुन है, एदे विच ही दान है, एदे विच ही परमात्मा दी पूजा है। सच ए वे कि परमात्मा दी सिवत तो वड्डा होर कोई भी धर्म दा कर्म नहीं। जिवें असी गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु अर्जुन देव जी दी बचन है राग सोरठ विच के पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुटक्यो अधिक आंग बुद्ध बांधे। प्यारे इन विद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध विवेका। उत्थे अखीर च महाराज एक एक कर्म कांड का जिक्र करके बख्शिश कर दे आ। हर कीर्त साध संगत कै सिर करमन कै करमा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लैण। महाराज की हजूरी च मैं बेनती करांगा नाम तो वड्डी पूजा ही कोई नहीं। पूजा कीचे नाम त्याई है, बिन नाम है पूज ना होए। नाम तो वड्डी पूजा की है, जिथे बार मुखी केवल कर्म कांडी विखावे की पूजा आई उन्हू हजूर ने बचन किया पूजा वर्त तिल की शनाना, पुन दान बो दैन कहूं ना भीजै संयम स्वामी बोलै मिठे बैन। प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, पूजा वर्ता नल नहीं अंदर दी शांति चैन ता है जे तू परमात्मा दे नाम नू जपना। इस ते महाराज कहिंदे ने पुन है पूजा है भावे दान है, पार ब्रह्म परमेश्वर दी कीर्ति ही सब तो उची है। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त हरी दी कीर्ति तत विचारे। तत दी बात एक है कि परमात्मा दी कीर्ति तो ऊपर कुछ भी नहीं। गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। हजूर बख्शिश कर रहा कि गुण गावत अतुल सुख पाया। महाराज अपना तजर्बा दस रहा गुरु अर्जुन देव जी, परमात्मा दे गुण गा के गुण गावत अर्थ उहदे गुण उहदियां सिफतां करके। अतुल लफ्ज है तुल, तुल दा अर्थ है तोलना जोखना मापना। ऐड़ा अगे तर हजूर ने ला दिता अतुल। अतुल दा अर्थ है जिस सुख नू कोई तोल ही नहीं सकता। गुण गावत अतुल सुख पाया। हजूर कहिंदे ने उस पार ब्रह्म परमेश्वर जो अगम है जिस दा कोई थां नहीं पा सकदा, जिस दा पारा वार नहीं। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर काछ ना बिचारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, जो दा लफ्जी अर्थ करांगे जिन्ना नू, जन दा अर्थ है दास सेवक परमात्मा दी इबादत करन वाला। प्रभु ने जिन्ना सेवकां नू अपने बना लिया तिनका बहुर काछ ना बिचारे। ओ पार ब्रह्म परमेश्वर ना उन्हां दे गुण विचारदा ना उन्हां दे अवगुण विचारदा है। जिन्हां नूं परमात्मा ने अपना बना लिया ना उन्हां दी चंगियाई वेखदा ना उन्हां दी बुरियाई देखदा है। बस इस गल नूं फिर सुनियो, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बौर कछ ना विचारे। जिवें सतगुरु दे अमृत बचन ने बाहां पकड़ ठाकुर हो किद्दी गुण अवगुण ना पछाने। जिन्हां ते उह किरपा करके अपने बना लै की उहदा अवगुण ते की उहदा गुण। जिन्हां नूं अपने बना लैंदा उहनां दे कदी गुण अवगुण नहीं देखदा। इहनूं निरोल किरपा कहिंदे आ, निरोल तरस कहिंदे आ। इसे करके दास बेनती करदा हुंदा है
कि बाकी तो हर एक दी आपो अपने अंदर दी अवस्था है, किसी बंदे ने गुरु तो की मंगना है, हर एक दी अवस्था है। कोई धन मंगता है, कोई पदार्थ मंगता है, कोई पदवी मंगता है। मैं ये नहीं, मैं अपने आप को शमूलियत करके गल कर रहा, मैं शामिल करके मंगते ने। पर एक गल जे सब कासे नालों इको चीज जे मंग लीए, दाता तू अपनी कृपा दे दे, अपना तरस दे दे। गुरमुखो जिथे तरस ते कृपा आ जाए उथे ना किसी का जप वेख्या जाता, ना किसी का पाप वेख्या जाता। कृपा तो सुधी ओदी बख्शिश है। इस करके सतगुरु ने बाणी च एक शब्द कहा, कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण। अगला लफ्ज अवगुण है, कृपा गुण करके नहीं। हे दाता जदो तू कृपा वरताना, ना तू अवगुण देखना, ना तू गुण देखना। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। फिर बेनती करांगा, तरस मंगीए गुरु तो। जो मैं मंग रहा हो सकता है मेरी मंग मैनू समझ ना होवे, मैं बचपन वरत रहा वा, ते जदों कृपा वरदांगे तरस मंगांगे, तरस विच तां प्यार हो निरोल रब दा प्यार वरतदा। आ शाह हुसैन दी रचना सी, दास ने एक दिन पढ़ी, याद रखियो। जदों मंजी साहब कोई कथावाचक शेर सुनाए, किसी दूजे ग्रंथां दा हवाला दे, ते उतेजित नहीं कदी होना भी ये बाणी पढ़ दिया शाह हुसैन कित्थों लैंदा। रहत मर्यादा च लिखिया है कि अन मत दे ग्रंथां दे हवाले दिते जा सकते आ, पर शर्त प्रधानता केवल गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द दी ही रहेगी। मैं इस करके थोड़ा जा हवाला देन लगा। वो कहिंदा कह शाह हुसैन फकीर साई दा अदलों फजल करी। दो शब्द ने, अदल का अर्थ हुंदा इंसाफ करना, ते फजल का अर्थ हुंदा कृपा करना। कहिंदा परमात्मा लोग तेरे ते आ के बूहे ते खलो के कहिंदे सानू न्याय दे, सानू नाल इंसाफ कर। कहिंदे मैं सच तेरे दरवाजे ते खोलो के कहना कि मेरे नाल बिल्कुल इंसाफ ना करी। मैं तेरे तो अदल नहीं मंगन आया, मैं तेरे तो फजल मंगन आया, मैनू तू अपनी बख्शिश दे दे। जे तू इंसाफ करेगा, मैं इन्ने के गुनाह किए ने, मैं इस जन्म विच कदी छुट ही नहीं सकता। मेरे नाल अदल नहीं, तू फजल कर, कृपा कर। इत्थे सतगुरु का वचन है, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, जिन्हां नू परमात्मा ने अपने बना लिया, तिनका बाहर कछ ना विचारे, प्रभु उन्हां दा कदी कोई गुण अवगुण कुछ भी नहीं विचारदा। नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। ये पहली तुक दे अर्थ भी हो गए दे विच्चों। नाम रतन सुन जप जप जीवा, पार ब्रह्म परमेश्वर जी आप जी दा जो नाम रतन दी तरह कीमती है, मैं उस नाम रतन रोज जापना वा। मेरी जिंदगी की जाप है, नाम रतन सुन जप जप जीवा, तेरी इबादत करके जप जप के मैं ज्यों रहा हाँ। ते हजूर सच्चे पातशाह कह रहे ने हर नानक कंठ मजारे। कंठ दा अर्थ है गला, मजारे दा अर्थ करांगे विच। कहिंदे परमात्मा मैं तुहाडे नाम नू जप के जीना वा, मैं तुहाडे शब्द नू, तुहाडे नाम नू, तुहाडी बाणी नू अपने कंठ विच अपने गले दे विच परोर या है। मेरे गले दा शिंगार केवल तुहाडे अमृत बोल बाणी ही है, शब्द है। ये सी जी अज दा शब्द जिहड़ा सतगुरु ने हुक्म रूप बख्शिया।